बेनीवाल जी जिस तरीके से निर्भया के जो आरोपी हैं उनको फांसी देने की बात चल रही है मीडिया के अनुसार, क्या लगता है कि इन केसों में जिसको फांसी दी जाती है क्या होता है, थोड़ा डिटेल में बताइए। निर्भया केस में मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास डाली गई थी जो प्रेसिडेंट साहब ने खारिज कर दी गई है, और उसके ऊपर जो फांसी का प्रोसीजर होता है तो डेट प्रेसिडेंट साहब द्वारा ही लिखी गई होगी किस दिन उसको फांसी दी जाएगी। तो जेल प्रशासन अब उस चीज़ को तय करेगा और सुबह फांसी दी जाती है उसके अरेंजमेंट्स करेगा जिस तारीख को प्रेसिडेंट साहब ने फांसी देने के आदेश किए हैं। अगर किसी को भी फांसी दी जाती है नॉर्मल बात करें तो क्या प्रोसीजर होता है, मतलब जज साहब की तरफ से फांसी की वो लगा दी जाती है, उसके बाद राष्ट्रपति आती है, फिर राष्ट्रपति की तरफ से फिर जेल प्रशासन भी आती है, पूरा प्रोसीजर क्या होता है ये थोड़ा सा डिटेल में बताइए। जैसे किसी को सज़ा सुनाई गई, हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर में तीन टायर सिस्टम है, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट तक जब किसी की पिटीशन खारिज हो जाती है और उसको सज़ा सुनाई गई है, काबिज हो गई है, तो एक मर्सी पिटीशन है और प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि उसको सिंपैथेटिक ग्राउंड्स पे अगर लेकर कंसीडर करना चाहें सर्कमस्टांसिस को, फैमिली के सबको, तो वो उसको माफ़ कर सकते हैं फांसी की सज़ा को। तो अब ये उनका लास्ट रिजॉर्ट था जो ख़त्म हो चुका है और प्रेसिडेंट ने उनकी मर्सी पिटीशन डिसमिस कर दी है, और जो ऑर्डर कोर्ट ने किया था कि इस तारीख को इनको फांसी लगाई जाएगी, उसको ऑर्डर को प्रेसिडेंट साहब ने ऑल्टर किया है या नहीं किया, या फिर उसी दिन को तारीख को फांसी देने के लिए उनको बोला गया है, तो ये अब जेल प्रशासन के हाथ में है कि किस तारीख को उन्होंने उनको फांसी देनी है और सुबह सुबह ही फांसी दी जाती है। अगर बात करें एक जो आरोपी है उसकी तरफ से एक याचिका भी लगाई गई हुई है, उस पर राष्ट्रपति सुनवाई भी होनी है, क्या उसका भी कोई टाइम प्रोसीजर होता है कि एक महीने का उनको वक्त मिल जाता है या उन पे कोई ऐसा कुछ नहीं है? आपने देखा होगा जैसे 84 के दंगों के दौरान भी सिख पीड़ितों ने भी जो पंजाब में दंगे हुए थे मर्सी पिटीशंस फाइल की हुई हैं, तो वो पिटीशंस चार चार पाँच पाँच साल भी पेंडिंग रही हैं। तो ये डिपेंड करता है सोलली प्रेसिडेंट के ऊपर। दो पिटीशन फाइल हुई थी इस केस में दो बंदों द्वारा, एक खारिज कर दी गई है, एक पे अभी सुनवाई चल। तो हो सकता है कि इसमें भी लेट लतीफी हो सकती है या हो सकता है कि राष्ट्रपति द्वारा इसको एकदम से ऑर्डर दिए जा सकते हैं, मतलब ये उत्तर आपको राष्ट्रपति साहब ही दे नहीं, सकते नहीं, मतलब जो प्रोसीजर होता है प्रोसीजर जानना, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं होता, ये होल डिस्क्रिशन है मर्सी पिटीशन की माननीय राष्ट्रपति जी की, उसको मानना या खारिज करना, इसके ऊपर कोई सुनवाई कोई बहस नहीं होती। अगर मान लिया उसको वो एक्सेप्ट मतलब कि कोई जवाब नहीं देते तो अभी फांसी नहीं दी जा सकती, इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो डेट है उससे पहले ही जवाब आ जाएगा, जो टाइम होता है उसके अकॉर्डिंगली ही माननीय राष्ट्रपति जी के सामने वो पिटीशंस रखी जाती हैं, उनके टाइम बाउंड मैनर में उनको डिस्पोज ऑफ किया जाता है, और जो जेल प्रशासन को टाइम चाहिए होता है उसके अरेंजमेंट्स करने के लिए वो टाइम भी उनको प्रॉपर दिया जाता है।